वेलकम टू अपनी रसोई। मैं संगीता, आज मैं आप लोगों को पिज्जा सॉस बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो काफ़ी ही बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। सबसे पहले टमाटर लेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून मरीच पाउडर, छोटी टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून से कम नमक, 2 तेज़पत्ते, कटे हुए प्याज और मस्टर्ड ऑयल। सबसे पहले हम टमाटर के डांट की तरफ से, इधर से डंठल होते हैं उधर से हम कटिंग करेंगे और एक चीरा लगा के इस तरह सभी टमाटर को बॉयल करेंगे। हम टमाटर के डंठल की तरफ से इसे काटेंगे और एक चार दो तरफ से इसे चीरा लगा देंगे, हल्का, पूरा नहीं कटिंग करेंगे, और इस तरह हम सभी टमाटर को काट लेंगे। अब हम पानी को बॉयल करेंगे, इसमें हम 2 गिलास पानी डाले हैं। ये जब बॉयल हो जाएंगे तब हमें टमाटर इसमें डालना है, हम इसे ढककर बॉयल करेंगे। पानी बॉयल हो चुके हैं, अब हमें इसमें सभी टमाटर को एक एक करके डालना है। हम सभी टमाटर को 10 मिनट के लिए इसमें डालेंगे, ये हल्का बॉयल हो जाएगा तब हम इसे अब हमारे टमाटर बॉयल हो चुके हैं, ये बिल्कुल अब छिलका निकल रहे हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हमें इसके आसानी से छिलके को निकाल लेने हैं, ये बॉयल हो गया है इसलिए छिलके आसानी से निकल जाएंगे, और सभी टमाटर के हमें इसी तरह छिलके हटा लेने हैं। अब हम इसे अच्छे से 4 फांक काट लेंगे, सभी टमाटर को हम इस तरह काट लेंगे। सभी टमाटर को हम इस तरह काट के और मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। अब हम इसे जार में डाल रहे हैं, इसे जार में डालने के बाद हमें इसे टमाटर वाले जो पानी है उसे हम इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी। अब हम इसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे, हम यही टमाटर जो जिसमें बॉयल किए वही पानी ऐड कर रहे हैं, थोड़ी मात्रा में ऐड करेंगे और हम इसे पीस लेंगे। बिल्कुल हमारे महीन पीस आ गए हैं। अब हमें सबसे पहले कढ़ाही को चढ़ाने हैं गैस पर और हमें इसमें मस्टर्ड ऑयल थोड़ी सी, 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डालने हैं। उसके बाद हमें तेज पत्ते डालने हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज जब लाल हो जाएगा तो हम इसमें मसाला डालेंगे, हम इसमें ये डालेंगे पिसा हुआ टमाटर का प्यूरी, हम इसमें डालेंगे। पहले इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, नमक हमारे स्वादानुसार, मरीच पाउडर इसमें हम मरीच पाउडर ऐड किए। अब हमें इसमें कलर आने के लिए थोड़ी सी चीनी डालने हैं और थोड़ा सा काला नमक डालना है, अच्छे से मिला देने हैं और इसे हल्का बॉयल होने तक चलाते रहना है। ये हमारे पिज्जा सॉस है, इसे हम हल्का सा गाढ़ा करेंगे। अब ये हमारे हो गए हैं, ये बिल्कुल गाढ़ा भी हो गए हैं और अच्छे से पक भी गए हैं। अब हम फ्लेम को, गैस के स्विच को ऑफ कर रहे हैं। ये पिज्जा सॉस हमारे बनकर रेडी है सर्व करने के लिए, और इसे आप घर पर अवश्य एक बार ट्राई करें, ये काफ़ी अच्छी और टेस्टी बनती है। और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।